Hello students, finally CLAT 2021 official notification is out and there is a major change. This year paper is offline. ठीक है, सुबह मेरे पास ये फोटो आया था, एक स्टूडेंट ने भेजा था तो मुझे लगा था कि टेलीग्राम पे ऐसे ही आया, किसी बच्चे ने एडिट करके मज़े ले रहा है तो मुझे सुबह ये असली नहीं लगा था, पर ये अभी न्यूज़पेपर का क्लिपिंग है तो कटिंग है सॉरी, तो ये ऑफिशियल है अभी के लिए, दिस इज ऑफलाइन। ठीक है, अभी के लिए दिस इज ऑफलाइन। बाद में एक हफ्ते पहले क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये क्लैट का एक्सपीरियंस है, पास्ट रिकॉर्ड है इस चीज़ में कि वो एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले अजीब अजीब से चेंजेस कर देता है ना, राइट। सो अभी के लिए दिस इज ऑफलाइन, तो बहुत बच्चों को रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा, विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। इज ऑफलाइन बेटर और ऑनलाइन इज बेटर, तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। एंड द डेट इज एज ऑफ नाउ 9th में। अब ये पोस्टपोन भी हो सकता है क्योंकि कोविड है ना, कोविड का किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, अतिथि तुम कब जाओगे ये पता नहीं कब जाएगा, अभी के लिए तो है। ठीक है, आई एम हेयर टू स्टे, अगर ये रहता है तो ये डेट पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, सो अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, बट अभी के लिए 9th में को डेडलाइन लेके चलो और सिलेबस कंप्लीट करते रहो। पेपर ऑफलाइन से तुम्हें क्या क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, देखते हैं। लेट मी शेयर अ वाइट स्क्रीन। देखो, जब पेपर ऑफलाइन हुआ था तो पर्सनली मैं 2-3 बच्चों को जानता हूँ। जब पेपर ऑनलाइन हुआ था लास्ट ईयर, अचानक से जनवरी में अचानक से उन्होंने किया था ना, शुरू में नहीं बताया था, बीच में कर दिया था कि अब ऑनलाइन होने वाला पेपर। तो जो लोग ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत लोगों ने ऑफलाइन सोच के ड्रॉप किया था। ठीक है, और पैटर्न भी चेंज हुआ था और सिलेबस भी चेंज हुआ था। तो ऑफलाइन में फायदे क्या क्या हैं तुम्हारे पास, मैं बता देता हूँ। व्हेन यू हैव टू रीड 20,000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड्स विद इन 2 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वर्ड्स। योर वर्ड पर मिनट स्पीड, जो भी स्पीड का यूनिट होता है वर्ड पर मिनट, जो कि 300+, 350+, ये एनालिसिस वीडियो भी मैंने बनाया था लास्ट ईयर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड मेंटेन करना इज वेरी मच इजियर इन ऑफलाइन मोड, राइट। ऑफलाइन में तुम आराम से स्पीड को बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सबसे पहले तो आईज जो है वो पेन होने लगती हैं। ठीक है, कभी कभी टीयर्स भी आने लगते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं मजबूरी में, और अगर पेपर भी ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली जो ऑफलाइन में जो रीडिंग का कंफर्ट रहता है ना, वो बेटर रहता है, बिकॉज यू कैन अंडरलाइन फर्स्ट, यू कैन स्क्रॉल यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। पेपर यहाँ दिख रहा है, आधा पैराग्राफ यहाँ दिख जाएगा, एक ही बार में दिख जाएगा नजरों के सामने। ठीक है, समझ आ रहा है। और ऑनलाइन में स्क्रॉल करो, क्वेश्चन में है ढूंढो कहाँ है, स्क्रॉल करो, ये करो वो करो, बहुत दिक्कत होती है इन RC एज वेल एज इन DI। अब एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे है, इसका कैलकुलेशन लिंक्ड है तो फिर टाइम वेस्ट होता है। तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, कम कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, आंखों में दर्द हो रहा था। ठीक है, स्क्रीन पे अंडरलाइन नहीं कर सकते ऑब्वियसली। मेरा CAT का पेपर था 2018 में, तो मैं पेपर दे, मेरा स्लॉट 2 था, तो मेरे से पहले जो जिस बच्चे का एग्जाम था उसने कलर कर रखा था मेरे स्क्रीन को, ब्लू 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 अंडरलाइन करके। इन्विजिलेटर अलाउ नहीं करते, पर उसने कर रखा था, जज्बाती हो गया होगा। वैसे हम अलाउड नहीं होता ना करना। अभी तुम ऑफलाइन में कर सकते हो, खुद का पेपर है, कुछ भी करो उस पर। ठीक है, तो अभी हम कर सकते हैं अंडरलाइन, पहले नहीं कर पाते थे, तो स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता था। सपोज यू आर रीडिंग अ पैराग्राफ एंड यू हैव रीच्ड ऑन द सेकंड पैराग्राफ 4th लाइन, और तुम किसी ने, मैडम ने खुसुर-खुसुर कर दी क्लास में, कंसंट्रेशन उड़ गया, वापस शुरू से पढ़ो। होता था कि नहीं, डू कमेंट। ठीक है, सबके साथ होता है, मुझे पता है, मैं खुद पेपर देता हूँ ना, तो मुझे पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑफलाइन में एटलीस्ट अंडरलाइन रहेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो। DI में तुम ग्राफ के बगल में कैलकुलेशन कर सकते हो, विजुअली लाइन खींच खींच के कंपेयर कर सकते हो, बहुत फायदे हैं। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा केसले DI का इन्फॉर्मेशन है, बगल में ही ग्राफ बना सकते हो, ऐसे ऊपर देख के नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत फायदे हैं। तो अभी के लिए स्क्रॉलिंग का ऑफलाइन ऑनलाइन का अगर मैं पॉइंट करूँ तो स्क्रॉलिंग नहीं करना है, 10, अंडरलाइन कर सकते हो, 20, आंखों में दर्द नहीं होगा, 30, कंसंट्रेशन बना रहेगा, और कहीं मिस हुआ पॉइंट तो वहीं पे पहुंच सकते हो जल्दी से 4-0। यहाँ पे OMR फिलिंग का एक एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे 4-1 स्कोर है, लेकिन OMR फिलिंग का जो टाइम है ना, जो माइंड डाइवर्ट का टाइम होता है ना, माइंड को वापस खींच के लाओ, तो वो वाले टाइम में कंपनसेट हो सकता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना टाइम इधर भी वेस्ट हो ही जाता है। और मार्क फॉर रिव्यू वाला जो लास्ट ईयर बहुत बच्चों के साथ चोट हुआ है ना OMR में, क्लियर रिस्पॉन्स करके करना था वो सब ठीक है। और उसके अलावा मैंने योगा वीडियो भी बनाया था कंसोर्शियम, और जो एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, मतलब उनका मेरे साथ इक्वेशन ठीक नहीं रहता, तो मैंने अभी योगा वीडियो बनाया था। जिन बच्चों को आई में पेन हो रहा था, कंसंट्रेशन का दिक्कत आ रहा था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं बॉडी के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस बताए थे जो कि ऑनलाइन के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन वो अभी भी ऑफलाइन के लिए भी काम के हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली अभी भी चाहिए, राइट। सो आई पेन वाला दिक्कत के लिए मैंने एक्सरसाइज बता रखा था, योगा का वीडियो मैंने एक बनाया था, ठीक है। तो अभी के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि खराब ही नहीं है ना, चश्मा भी हट सकता है जिन लोगों को लग गया है वापस। तो बाकी पेपर तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, कंफर्टेबल हो गया, राइट। Do comment your reviews in the review of the paper pattern, not my video, in the comment section, ठीक है, कि तुम्हें पेपर कैसा लग रहा है। I guess 90% of the people would like this, ठीक है। कुछ ही लोगों को ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्ट लगता है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन तुम लोगों के लिए अच्छा है, सो कंग्रेचुलेशंस। और एक वीक पहले कुछ हो जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है, बट स्टिल अभी के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का तैयारी करो। ऑफलाइन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाओ, न्यूज़पेपर ऑफलाइन पढ़ना शुरू कर दो। अभी तक मैं ऑनलाइन सजेस्ट कर रहा था, ठीक है, अब ऑफलाइन भी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और अपना अपना न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो अंडरलाइन करके ये हैबिट डाल सकते हो। पहले मैं मना करता था, क्योंकि अंडरलाइन करके ऑफलाइन में पढ़ोगे तो ऑनलाइन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में यू कैन नॉट अंडरलाइन, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई, एंड डू कमेंट योर रिव्यूज, हाउ डिड यू लाइक द पेपर और नॉट। और टेलीग्राम पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना डिस्कशन में, कि भाई अच्छा है कि खराब है, जो है सो है, तैयारी करना शुरू कर दो। बहुत लोग डिस्कशन करते हैं ना, जैसे चाय की टपड़ी हो टेलीग्राम। चलो।